गाइस, दिस इज सैयद काजिम, अमीर आदमी के प्लेटफॉर्म से आपको मेरा सलाम। दिस इज़ मी विद अनदर क्वालिटी वीडियो एडवाइस फॉर यू, आपके लिए हाजिर हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है रोलिंग का। रोलिंग का लफ्ज़ हर किसी ने सुना होता है लेकिन कोई उसका सही का मतलब नहीं जानता, उसका पर्पज़ नहीं जानता। अगर मतलब भी जानता है तो उसका रीज़न नहीं जानता कि वो एक्टिविटी वॉट इज़ द पर्पज़ फॉर विच इट इज़ डन। तो मैं आपको वो रोलिंग बताऊँगा और उसका वाइस वर्सा जो कॉन्ट्रेरी अपोजिट ऑप्शन होता है वो भी बताऊँगा। तो रोलिंग का अपोजिट ऑप्शन होता है कैश फ्लो इनकम। एक इंसान जब कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो वो उसका रेंटल इनकम ले सकता है, अपार्टमेंट का, ऑफिस का, प्लॉट का तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता। और दूसरा उसका ये चीज़ कर सकता है कि वो उसको रोलिंग में डाल सकता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ऑफिस था, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम इन माय पास्ट वीडियो एज वेल कि ये ऑफिस 1000 square feet का आपको मेरे पीछे ऑफिस नज़र आ रहा है, ये बिका था 6000 per square feet के रेट पे, तो ये 60 lakh का बिका था इन 2017 जब सिर्फ इरादे थे, मिट्टी थी, बुनियाद थी, खाली प्लॉट था बिल्डर का। बिल्डर ने माशाल्लाह डिलीवर किया, अच्छा डिलीवर किया। इन 2020 आफ्टर 3 years ये सोल्ड हुआ है 1,10,00,000 का, यानी 11,000 per square feet के रेट से। तो 60 lakh से 1,10,00,000 का 3 साल में 50 lakh का प्रॉफिट। तो ये अगर हम रेंटल इनकम में जाते, ड्यू थिंक ये अचीवेबल था? अगर हम ये रेंटल इनकम में जाते तो कम से कम आपको साल लगने थे वो 20 to 30 years के बीच में लगने थे। उसका रीज़न ये है कि कमर्शियल के जो अच्छा रेंटल यील्ड होता है वो होता है 10 to 12%। तो अगर आप 10 to 12% भी लगाते हैं, 60 lakh का माना रेंट आप समझ लें 60-65,000 आ रहा है, तो वो एक साल में जो होगा 6 lakh rupees आएगा, 10 साल में 60 lakh आ जाएगा, तो 20 साल में 1,20,00,000 होगा, और 20 and 30 years के बीच में वो 1.5 crore तक के बीच में आपको वो पैसे मिलेंगे, आपका कैश फ्लो आउट आएगा। तो वही चीज़ 3 साल में 30 साल का, यानी 10x जो आप स्पीड लगा सकते हैं, वेल्थ कमा सकते हैं, वो रोलिंग से कमा सकते हैं। तो एक बात तो तय हो गई, रोलिंग से वेल्थ आती है और रेंटल इनकम से आपका किचन चलता है, घर का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चलते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ व्हाट आर द ऑप्शन जिसमें आप वेल्थ के लिए जा सकते हैं और वो कौन से ऑप्शन जिसमें आप रेंटल इनकम के लिए जा सकते हैं। दोनों आपकी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँगा व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बेड फॉर यू एंड व्हाट इज़ मोस्ट आइडियल फॉर यू इफ़ आप मुझे कॉल करेंगे। दिस डिपेंड्स केस टू केस, वो इंसान करना की चाहता है। रिसेंटली जैसे एक न्यू प्रोजेक्ट आया है बैरिया में विच इज़ वेरी न्यू बट वेरी फैमिलियर टू यू, क्योंकि एक अपार्टमेंट तो है लेकिन ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है। फर्निश्ड अपार्टमेंट में यानी आपको इसमें सिर्फ टाइल और किचन या बाथरूम और फिक्चर्स नहीं लगे हुए होंगे, सोफ़ा सेट से लेके डाइनिंग टेबल से लेके कमरे में बेड से लेके एसी से लेके विच विल बी ऑफ वेरी ग्रेट क्वालिटी, हायर या इक्विवेलेंट, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी इसमें बहुत सारी। तो जो नॉर्मल रेंट आता है अपार्टमेंट का वो ऑब्वियसली अभी 30,000 आ रहा है, आने वाले वक्तों में इन कमिंग फ्यूचर 2 साल होगी, बैरियर में बारिश होगी, हर कोई इंजॉय करेगा, कराची दोबारा डूबा हुआ होगा, तो वो रेंट 2 साल में आसानी से 40 to 50,000, ये 40,000 तो बआसानी होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रेंट है, लेकिन इस पर अगर आप अपना प्रीमियम चार्ज करेंगे क्योंकि आपका अपार्टमेंट तो फर्निश्ड है, तो आप इसमें अगर 40 या 50% जो इंटरनेशनल रूल है कि फर्निश अपार्टमेंट का एक्स्ट्रा रेंट होता है, तो दैट विल बी 40% होगा या 50% होगा, तो 40,000 से वो रेंट उठा के 60,000 to 70,000 रेंट ले जाएगा। और ये वो रेंट है जो कमर्शियल यूनिट का आता है, 10 to 12% रेंटल यील्ड, और ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है जो फर्निश अपार्टमेंट का, दूसरा बैरी में कोई ऐसा क्रेडिबल प्रोजेक्ट नहीं है जो फर्निश अपार्टमेंट दे रहा हो। तो 1 bed खत्म हो चुके हैं, आई विल बी टेलिंग द प्राइसिंग प्लान, 34 lakh का 1 bed तक खत्म हो गया, 2 bed बचे हैं, 84 का है, 5 lakh प्री लॉन्चिंग डिस्काउंट है, 79 lakh का है। आप अपनी मर्जी से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट प्लान हमसे भी जान सकते हैं, 10-15 lakh डाउन पेमेंट है, बाकी 2 साल